Hallelujah, 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 hallelujah. ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहाँ है? कहाँ है? आसमान में? आसमान में कहाँ है? हमारे हृदय पर। तो इसलिए हम लोग गाते हैं, पावन आत्मा अंदर यामी, पावन आत्मा अंतर कृपा क्या होता है? कृपा क्या है? ये दोनों हाथ, एक हाथ ऊपर उठाइए। कृपा क्या है? ईश्वरीय जीवन हमारे मानुषिक जीवन पर मिलन होते, मनुष्य जीवन को ईश्वरीय बनाता है। क्या ये विश्वास कर सकता है? क्या हम इंसान को प्रभु ईश्वर इंसान के अंदर निवास होते हुए, आइए और एक बार हाथ, ईश्वर इंसान बनकर इंसान के निवास करते हुए इंसान को ईश्वर बनाते हैं। आइए बैठिए। अभी मेरा कैमरामैन चले गया, मैं सब कुछ संभालना पड़ता है। सो ऑल दोस हु आर गोइंग टू वॉच दिस इन यूट्यूब, आई एम सॉरी द कैमरा इज आउट ऑफ कंट्रोल। वो अपने आप ऐसा वाइड हो जाता है क्योंकि यहाँ का गर्मी इतना है, कैमरा को संभाल नहीं सकता है, इसलिए वो अपने आप। So all those who are watching in the YouTube later on, forgive me, but you will get the audio and you can see a wide frame. आइए, हमारा इस समय पर प्रभु के साथ हमारा जीवन का एकता कैसे बनता है, उसको बोलता है प्रार्थना। प्रार्थना में ये मेरा अनुभव है, जब प्रार्थना करने सीखा तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन है। मतलब प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करने से सब परेशानी दूर हो जाता है। तो सबसे पहले प्रेरित लोग, प्रभु के चेले लोग, अपोस्टल लोग प्रभु से क्या पूछा, क्या पूछा, क्या मांगा? हमें प्रार्थना करने सिखाइए। हम लोग भी बचपन से माँ बाप हमको क्या सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया है ना। लेकिन फिर आस्ते आस्ते समय नहीं है हमारे लिए। किसके लिए समय नहीं है? प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। अभी आप लोग सुबह उठेगा तो बहुत परेशानी है, बच्चों को संभालना, बच्चों को खाना बनाया, उसके लिए स्कूल भेजना, तो दौड़ा दौड़ी चालू होता है। लेकिन थोड़ा सा धारस बांध के
कुछ समय हे प्रभु मुझे ताकत नहीं है, तू ही मेरा ताकत है, तू ही मेरा बल है, तू मुझ में निवास है, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए। ये नहीं करेगा तो नहीं, तो ये करेगा तो हमारा जीवन प्रभु का शक्ति से संचालित होता है, प्रभु का शक्ति से। ये जो आजकल सबको मालूम है, ये तो टेलीफोन है, ये बहुत अच्छा टेलीफोन हो सकता, लेकिन ये काम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज, इसको पावर देना पड़ेगा। प्रभु इंसान को वैसे बनाया उनका अपना शक्ति से जीने के लिए नहीं, प्रभु का शक्ति से जीने के लिए बनाया। इतना याद रखो, ईश्वर हमको जब बनाया कैसे जीने के लिए बनाया, उनकी शक्ति से जीने के लिए बनाया। अभी मरकुस का सुसमाचार में पहला वचन यही है, संत मरकुस अध्याय एक, एक मती मरकुस, ये जो चार सुसमाचार में, चारों सुसमाचार का एक मकसद है, मतलब एक थीम है। मरकुस का सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीयता को ज्यादा ज्यादा ध्यान रखता है। प्रभु ईसा मसीह कौन है? ईश्वर है। लेकिन मत्ती का सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह मनुष्य है, उसमें ज्यादा ध्यान दिया है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार चालू करता है, ये बोल के चालू करता है, मत्ती का सुसमाचार ये कहते हुए चालू करता है, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। कौन है ईसा मसीह? इब्राहिम को, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र, मतलब ईसा मसीह सचमुच एक मनुष्य है, लेकिन उसी समय वो सचमुच ईश्वर भी है, ईश्वर भी है। तो मरकुस का सुसमाचार चालू होता है ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह। देखा, दो सुसमाचार का फर्क, लेकिन दोनों एक ही आदमी है। मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखा है? इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र, एक मनुष्य। लेकिन मरकुस का सुसमाचार ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह का सुसमाचार। अच्छा, देखो, मैं 3:30 बजे उठकर प्रार्थना किया और 4:30 बजे मैं 2 घंटा टीवी में भाषण दिया है, 1 घंटा मलयालम में, 4:30 से 5:30 6 बजे तक, उसके बाद 1 घंटा अंग्रेजी में। बहुत सारे लोग, दुनिया का लोग को भाषण दे दिया, उसके बाद मैं अभी इधर आया है। ये मेरा रोजानी ऐसा है, रोज ऐसा है। भारत में है तो 6:30 बजे भाषण होता है, ये भाषण मैं जर्मनी में करना तो 1:00 बजे करना पड़ता है, तो मैं 12:00 बजे उठता है, 1 घंटा प्रार्थना करके 1:00 बजे ये भाषण देता है, और 2 से 3 बजे और देता है, उसके बाद मैं प्रभु के पास जाके और 1 घंटा प्रार्थना करता है, उसके बाद फिर सो जाता है। यही मेरा रोज का काम है। मैं आपको इसलिए बताता है, मेरा बड़ापन बोलने के लिए नहीं है, मैं ये बोलने से, एक दिन एक आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या?
कि लोग एक बजे उठकर प्रार्थना करने वाला लोग भी है, तीन बजे उठकर प्रार्थना करने वाला लोग भी है, तो मुझे क्यों नहीं होगा? इसके लिए और सचमुच है कि मुझे सोने नहीं देता है। एक बार ऐसा हुआ, देखो मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं जब काम करता तो 7 बजे मैं उठता था। मेरा पत्नी आके कॉफी बना के ले आता है, मैं कॉफी पी के फिर सो जाता है। पर देखो ऑफिस जाने के लिए समय हो गया, तो मैं बोला ओम अखबार पढ़ने के अखबार आने दो। तो अखबार वाला फिर ऐसा ऊपर वाला नीचे से क्या बोलता है पेपर ऐसा रोल करके He's throwing को हिंदी कैसे, हाँ फेंकता है और दरवाजा में खट आवाज आएगा तो मैं उड़ेगा, अखबार पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उड़ता था। लेकिन वो जिंदगी बदल गया। 3 बजे 3:30 बजे प्रभु मेरा मुझे उड़ाता है, उठो मुझे तुमको ज्ञान देना है, शक्ति देना है, तभी तुम दिन भर काम कर सकते हैं। मैं दिन रात काम करता है, आप लोग भी ऐसा ही है ना जिंदगी में। लेकिन एक काम करने का शक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा प्रभु से लेना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु को ही देखना है। मैं इसलिए मरकुस का सुसमाचार पहले दिखाता है, प्रभु ईश्वर पुत्र होने के बावजूद भी मत्ती मरकुस, देखो ये मरकुस और लूक, उसके बारे में भी एक शब्द बोलना चाहता है। 4 सुसमाचार है, कौन कौन लिखा है सुसमाचार? एक मत्ती, मरकुस, लूक, योहन। मत्ती और योहन दोनों प्रभु का अपोसल था, मतलब 12 अपोसल प्रेरित लोग, शिष्य लोग दूसरा है, प्रेरित लोग सिर्फ 12 था। वो 12 प्रेरित लोग जैसा बिशप लोगों का समान है, चेला लोग बहुत सारा था, और ये लोग पुरोहित भी हैं और बिशप जैसा है। लेकिन सुसमाचार लिखने में 2 प्रेरित लोगों को लिया और 2 साधारण व्यक्ति जैसा हमारा जैसा, मरकुस और लूक, हमारे जैसा एक ले फेलिवर साधारण विश्वासी लोग था। तो उसके बारे में कलेसिया का संत लोगों ने कहा है कि उसी समय में ही प्रभु ने ये सोच विचार किया कि सुसमाचार का प्रचार में हम विश्वासी लोगों को कलेसिया में उतना खास काम करना था, और बाद में मरकुस आगे में मरकुस को बिशप बनाया, लेकिन लूक जिंदगी भर एक साधारण विश्वासी, लेकिन वो एक डॉक्टर था और एक पेंटर था, और वो लूक ही सबसे ज्यादा लिखा है, लूकस का लिखा हुआ है, लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र, ये दोनों संत लूक का लिखा हुआ है, और वो एक विश्वासी हमारे जैसा एक व्यक्ति। और ये लूक प्रभु यीशु का प्रार्थना और पुरोहिताई जीवन के बारे में लिखा है। अच्छा, अब ये भी कहने का, ये 4 सुसमाचार को 4 चिन्ह है, चिन्ह मत्ती के सुसमाचार का चिन्ह मनुष्य है, एक मनुष्य, लेकिन उसको पंख है मनुष्य को, और मरकुस का सुसमाचार का चिन्ह
लायन, लायन सिंह है ना, लायन को क्या बोलते हैं, लायन सिंह, लायन विंग्ड सिंह। और लूकस का सुसमाचार ऑक्स, ऑक्स ऑक्स क्या है, बुल ऑक्स। और योहन का सुसमाचार वल्चर, वल्चर जो ऊपर बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अभी कहना यह है, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर होने के नाते नाते भी सुबह उठकर प्रार्थना करता था, यही सबसे पहला अध्याय में लिखा है। पहला वचन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह का सुसमाचार। उसके बाद 35 में लिखा है, 35, दूसरे दिन ईसा बहुत बड़े सवेरे उठकर, बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उसका घर में बहुत सारे लोग था, उन लोग उतना प्रार्थना नहीं करता था वो तो इसलिए क्या किया, वो बाहर गया, वो छोटा पहाड़ के ऊपर जाकर बहुत सवेरे मतलब सूरज उठने के पहले। संत लोग ये कहता है, ये ईसाई में, ईसाई का जीवन ऐसा होना चाहिए, सूरज उठते हुए सूरज वो ईसाई का अंदर उठा हुआ सूरज को देखना चाहिए समझ गया ना, ईसाई का अंदर कौन है, प्रभु ईसा मसीह है, वो कौन है, वही सबसे बड़ा सूरज है। इसलिए हमारे सिस्टर लोग, फादर लोग, वो लोग सब बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं। हम कल बोला हमारे संत मदर तेरेसा, मदर तेरेसा के बारे में ऐसा कहता है, वो सबसे अग्रिम में जाता है गिरजा से, मतलब 11-12 बजे तक वो गिरजा में है और सबसे पहले वही गिरजा में आएंगे 3:30-4 बजे, 3:30-3:30, बाकी सिस्टर लोग 4:45 बजे आएगी। एक चीज मुझे अनुभव है, अगर हम लोग ज्यादा प्रार्थना करने से ज्यादा सोने का जरूरत नहीं होता है देखो कल सचमुच में कल 12 बजे के बाद ही मैं सोया, उतना काम था, ये सब वीडियो मैं चढ़ाया, उसके बाद करीब और नहाया, उसके बाद 12:30 बजे सोया और 3:30 बजे उठना पड़ा। अभी शायद दोपहर को थोड़ा देरी में इधर आराम करेगा, मुझे 4 घंटे से ज़्यादा सोने का ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि मैं थोड़ा सा प्रार्थना करता है ये एक आइडिया है, आप कोशिश करके देखो। हम लोगों का मन में ऐसा है, देखो 8 घंटा सोना चाहिए नहीं तो हमारा तंदुरुस्ती खराब हो जाएगा। मुझे कभी नहीं होता है 8 घंटा छोड़ो, 4 घंटा भी एक साथ मुझे नहीं सो सकता है। तो लोग जो टेलीफोन करता है, टेलीफोन में ज्यादा काम करने वाला बोलता है, भाई साहब आप काम सोता है, आपको कभी, हमेशा आपको ऑनलाइन देखता है हमेशा आपको ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सब समझ में आया ना, जो व्हाट्सएप में काम करने वाला को मालूम पड़ता है ऑनलाइन, मतलब कोई भी टेलीफोन देखता तो उसको मालूम पड़ता है, देखो ये अभी ऑनलाइन है, वो नहीं सोता है, वो तो फोन में है, मालूम पड़ता है।
मेरा वही अवस्था है। अच्छा, मुझे ये बात एकदम हृदय पर प्रभु ने जोर से बसाया कि तुम मेरा जैसा प्रार्थना करना चाहिए। देखो, प्रभु को हम देखना चाहिए किसी तरीका से। प्रभु तो भगवान है, ईश्वर है, लेकिन प्रभु कल हम लोग सीखा हो तो मेरा भाई है, अपना भाई जैसा है। और प्रभु पुरोहित है। प्रभु क्या है, कौन है? सनातन पुरोहित है। पुरोहित होने के नाते उसका, पुरोहित का क्या काम है? लगातार प्रार्थना करते रहना। आजकल का पुरोहित को बहुत तकलीफ है, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए उतना समय नहीं मिल। लेकिन एक पुरोहित मतलब सबसे पहले वो कौन है? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। एक सिस्टर कौन है? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। देखो, मेरा माँ बाप, हमारे घर में हम लोग 10 बच्चे थे, 10 बच्चे, मैं सबसे बड़ा था। मुझे मालूम नहीं कैसे मेरे माँ बाप ये 10 बच्चों को पालन पोषण करके बढ़ाया। क्या ये आज का जमाने में ये सोच सकता क्या कोई? सोच सकता क्या? लेकिन है कोई सब, लेकिन आज का नया लोगों के जीवन भर ये तो असंभव है। और मेरा पिताजी और माताजी, उन लोग कैसे हम लोगों को पालन पोषण किया मालूम है? वो सबसे पहले उठते हैं और घुटनी टेक कर हाथ फैला कर, हे प्रभु, मेरा याद, मेरा पिताजी के बारे में जो याद ये है, मैं उठने वक्त देखता है कि एक व्यक्ति घुटनी टेक कर प्रार्थना करने वाला। और उसके बाद रोज हम लोगों को गिरजा ले जाता है सुबह, उसके बाद हमको पढ़ाता है, स्कूल भेजता है, और शाम को कम से कम 45 मिनट घर में प्रार्थना कराता है। इसलिए आज मैं ऐसा बना। समझिए, तो हमारे बच्चों अच्छी तरह ईश्वरीय ज्ञान से बढ़ने के लिए हम माता पिता का प्रार्थना जरूरत है, व्यक्तिगत प्रार्थना। तो प्रभु यीशु को ही हम देखता है। तो ये बात समझो, प्रभु ईश्वर पुत्र होने के बावजूद, ईश्वर पुत्र मतलब ईश्वरी है, ईश्वर पुत्र मतलब ईश्वर है स्वयं। क्यों उसको प्रार्थना करना पड़ा? क्यों उसको प्रार्थना करना पड़ा? कोई उत्तर देगा क्या? क्योंकि वो ईश्वर भी है, उसके साथ साथ वो मनुष्य भी है। तो उसका अंदर ईश्वर है और मनुष्य है। तो मनुष्य होने के नाते उनका मनुष्यता को ईश्वरीयता से भरना, उसके लिए कृपा बोलता है ना। कृपा मतलब ईश्वरीयता मानुषिकता में मिलन होना चाहिए। इसीलिए प्रभु सुबह और बीच बीच में सब प्रार्थना करता है। और चेला लोग ने देखा ये इतना चमत्कार सब करता है, कैसे उनको ये शक्ति मिलता है? तो उन लोगों को समझ में आया ये जो प्रार्थना करता है वो अन्य यहूदियों के जैसा नहीं। यहूदी लोग जो प्रार्थना करता था ऐसा नहीं, कुछ फर्क है। तो सबसे पहला फर्क क्या था? प्रभु यीशु का प्रार्थना में सबसे बड़ा फर्क क्या था? देखो, मैं खुला मुझे मिला मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:6 लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपनी कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। सब लोग दबराइए, तेरा हाथ ऊपर उठाते हुए, अभी नींद आने का, नींद आएगा किसी को, लेकिन थोड़ा संभालना और ऊंची आवाज से दबराना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे पर जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करे, प्रार्थना करो। तुम्हारे पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना में पुराना नहीं तो जो यहूदी लोग का प्रार्थना में वो कभी भी ईश्वर को पिता नहीं मानता था, ईश्वर को पिता परमेश्वर करके नहीं मालूम था उनको। लेकिन प्रभु ईसा मसीह आने के बावजूद हम सबों को सिखाया, ईसा ने सबसे पहला चीज हमें सिखाया, ईश्वर हमारा पिता है। वो पिता बच्चों को कैसे प्यार करता है वैसा, और बच्चा माँ बाप को जैसा प्यार लेता है वैसा एक संबंध है ईश्वरीय जीवन, पिता पुत्र जैसा संबंध। यानी कि लिखा है पुराना वेद स्थान में, क्या एक माँ उनको दूध देने वाले बच्चों को भूल जाएगा? अगर वो भूल जाएगा तो भी पिता नहीं भूलेगा, उससे अधिक, एक माँ से अधिक बच्चों को पिता प्यार करता है। तो मतलब एक संबंध है, संबंध, हमारा घरेली संबंध, हमारा घर में माँ बाप हमारा सब कार्य करने के लिए दिलचस्पी से दौड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को भोजन देने के लिए। क्या बच्चा देता है, बोलता है क्या माँ बाप मुझे पढ़ने का समय आ गया, मुझे स्कूल पर भर्ती कराओ? वो बोलना पड़ता है क्या? नहीं तो लड़की बड़ा होते पर मैं अभी बढ़ गया, मुझे शादी का इंतजाम करो, वो बोलना पड़ता है क्या? माँ बाप वो सब कुछ देख समझ कर करता है। वैसे ही ईश्वर एक माँ बाप जैसा हमारे सब कार्य को देख समझ पर करता है, ये एक चिंता हमारे अंदर होना चाहिए, ईश्वर हमारा पिता है। और पिता होने के नाते अभी बच्चों, प्रभु यहाँ पर लिखा है एक बार और दूसरे जगह पर लिखा है मांगो दिया जाएगा, 7:7 लिखा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को
सहज ही अच्छी चीज हम देने देते हैं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा। देखा ये सिखावट कुछ गहराई है क्या इसमें? एकदम आसानी से हमारा जीवन का उदाहरण देते हुए, तुम्हारा बच्चा रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या? कोई नहीं देता है ना, कोई नहीं देता है। रोटी मांगेगा तो अच्छा अच्छा जल्दी अभी देता है। वैसा ही पिता परमेश्वर को अगर मांगने वालों को उन्होंने बहुत अच्छे चीज देता ही है। मांगो, खटखटाओ, ढूंढो। तो इसमें ये समझना चाहिए प्रभु हमारे हृदय पर निवास है। तो प्रभु यीशु ने सबसे पहले हमें ये प्रार्थना सिखाया, हे पिता विधि, हे पिता प्रार्थना। वो हे पिता प्रार्थना में व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु जैसा पिता से प्रार्थना करता है वैसा व्यक्तिगत रीति से हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। तो कैसे किया? तुम प्रार्थना करते वक्त तुम्हारे कमरे पर घुसो। तुम्हारे कमरे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा घर में कोना में एक कमरा है, ऐसा भी हो सकता है। देखो घर में बहुत सारे लोग हैं, हम जाकर एक कमरे पर घुसकर प्रार्थना करा, लेकिन उसका आंतरिक अर्थ वो नहीं है। आंतरिक अर्थ यह है कि तुम्हारे कमरा तुम्हारा हृदय है, उसमें पिता ईश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा निवास है। तो हम लोग सीखा कलीसिया का सिखावट में और संत पौलुस का पत्र में लिखा है, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर उसमें निवास करता है। देखो पहले मुझे भी बहुत बुरी आदत था, मैं बहुत सिगरेट पीता था। बहुत कोशिश किया तो भी सिगरेट पीना छोड़ नहीं सका। लेकिन एक दिन मुझे मेरा मन में ये विचार आया, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर मुझ में निवास करता है। तो कितना भी सिगरेट पीने वाला होगा तो भी मंदिर में नहीं तो गिरजा में तो सिगरेट नहीं पीता ना। गिरजा जाने के बाद सिगरेट पीते 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 बाहर में खड़ा होकर करके उसको छोड़ रहा है, फिर गिरजा में जाता है। मुझे मन में ऐसा आया कि गिरजा में मैं सिगरेट तो नहीं पीता है और ईश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, पहले कुरिन्थियों का नाम पत्र अध्याय तीन 16 नंबर लिखा है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय तीन 16 अध्याय तीन 16 इसको मैं एक दूसरा तरीका से बताता है। आपके बाजू वाला व्यक्ति के हाथ पर एक थप्पड़ मारो, क्या तुम्हें नहीं मालूम है? थोड़ा बोलिए उससे। समझ में आया? क्या तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारा मंदिर ईश्वर का शरीर है? मारिए। बोलो, एक थप्पड़ मार, क्या तुम्हें नहीं मालूम है? करो, तब थोड़ा जोर से समझ में आएगा। आजू बाजू को थोड़ा सा एक थप्पड़ मारना
और करूं, क्या लिखा है यहां पर, क्या क्या आप ये नहीं मालूम, क्या आप ये नहीं जानते कि ईश्वर के, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। कैसे लगता है कि मार मिला क्या, मारो छोटा सा एक तपड़ मार, तुम मम्मी को मारो मम्मी को दे दो, क्या तुम्हें नहीं मालूम है। सब लोग बोलिए क्या क्या, आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। सब लोग बोलिए ऊंची आवाज से, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर के आत्मा आप में निवास करता है। ये मालूम नहीं है, तब क्या हुआ क्या हुआ, मुझे ऐसा एक मार मिला किससे, प्रभु से क्या तुम्हें नहीं मालूम है तुम ईश्वर का मंदिर है और ये मंदिर में सिगरेट पीना ठीक है क्या। पता नहीं उस दिन से मुझे सिगरेट पीने नहीं सकता है सिगरेट पीना छोड़ दिया मतलब मुझे 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 पीने का एकदम दिल नहीं मिलता है। अभी बच्चा लोग है इसलिए नहीं, अच्छा फिर भी बोलेंगे मैं 30 सिगरेट पीता था, 3 पैकेट सिगरेट। अभी बच्चा लोग बोलेगा देखो ये तोमर साहब पहले सिगरेट पीता था इसलिए मैं भी पी रहा, ऐसा मत करना मैं इसलिए बताने के लिए बोला कि मुझे इतना बुराई था लेकिन जब ईश्वर मुझ में निवास करता है, मेरा शरीर को पवित्र रखना है उसके लिए वो विचार होना चाहिए और वैसे विचार में प्रार्थना होना चाहिए, तब मेरा वो आदत अपने आप चले गया। उसके पहले मैं बहुत कोशिश किया सिगरेट पीना छोड़ने के लिए, मुझसे नहीं होता था, और थोड़ा सा पीता भी था, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद कभी मुझे पीने का दिल नहीं आया। क्यों, मेरा शरीर क्या क्या आप ये नहीं जानते, आपके शरीर ईश्वर का मंदिर है। और उसके बाद मेरा प्रार्थना एकदम बदल गया। उसके पहले हम लोग ईश्वर कहीं भी है ऐसा सोचता था, ईश्वर सब जगह है, लेकिन जो ईश्वर सब जगह है, जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर समस्त सृष्टि को बनाया है, समस्त सृष्टि को पालन पोषण करता है, वो ईश्वर हमारे हृदय पर निवास है। ये कितना महान है, कितना बड़ा एक अनुभव है। तो मेरा प्रार्थना में एक फर्क ये आ गया कि मुझ में निवास प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तब तो वही तो प्रभु यीशु सिखाया। प्रभु यीशु कैसे क्या सिखाया, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारे, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम अपने कमरे पर जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत से अपने पिता से प्रार्थना करो। ये द्वार बंद करो मतलब क्या है, हम देखो आप सबों को यह अनुभव है जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो बहुत सारा सोच विचार आ जाता है ना, सभी सोच विचार आ जाता है, जो कुछ उसके पहले नहीं सोचा वो सब आ जाता है,
अरे वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको ये बोलना भूल गया, वो करना चाहिए, हे इसको, ये सब सोच विचार आ जाता है। उसको बंद करना मतलब हमारा आंख बंद करो, खान बंद करो, मन के भावनाएं बंद करो, हमारे मन के विचारों बंद करो और प्रभु पर मन पूर्ण रूप से लगा लो। प्रभु पर एकदम एकांत में जो प्रभु के साथ मिलन हो जाओ। लेकिन वो मुश्किल है, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल है, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी एक प्रार्थना है। मतलब अपने हृदय के अंदर निवास प्रभु को हम विश्वास करता है, प्रभु के बारे में हम सोचता है, तब हम दूसरे के बारे में मन आता है, तब वो प्रभु जो 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 हम लोग खेलते हैं ना बचपन में हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को क्या बोलता है, ऐसा खेलता है, ऐसा ही प्रभु छुप छुप के देखता है, वो किसको देखता है। वो छुपा के रखते हुए देखता है, ये किसको देखता है। तो हम लोग प्रभु को ढूंढता है, मैं प्रभु, प्रभु तुम कहाँ है, मैं तुमको ढूंढता है। हाँ हाँ, तुम मुझे ढूंढता है क्या, अच्छा बात है। तो प्रभु को खुश हो जाता है। तो हमारे मन में दूसरा किसी के बारे में विचार आया, लेकिन मैं उस समय निश्चय किया नहीं, अभी मुझे दूसरा किसी के बारे में सोचना नहीं, प्रभु मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। हाँ हाँ, अच्छा बेटा, गुड। वो प्रार्थना है, वही एक प्रार्थना है। अगर हम दूसरे के बारे में सोचते सोचते रहेगा तो एक घंटा चले जाएगा, उसके बाद सोचेगा कि मैं कहाँ था, प्रार्थना के लिए बैठा और कहाँ, बहुत दूर चले गया, है ना। वही सबसे बड़ा तकलीफ है प्रार्थना में। इसीलिए एक अभ्यास है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। पहले पहले बहुत मुश्किल है, मुझे पहले पहले तीन घंटा लगा यह सब विचारों को दूर करके एकदम प्रभु से एकांत में मिलन होने के लिए। पहले पहले मुझे 3 घंटा लगा, लेकिन आस्ते आस्ते समझ, अभी मुझे टक करके एकदम प्रभु से तुरंत मिलन होता है, क्योंकि मुझे दूसरा कोई विचार करना नहीं। प्रभु तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा गडरिया है, तू ही मेरा जीवन का जीवन है। वो एक बार हमारा मन में ऐसा एकदम आ जाता है, तब थोड़ा दिन लगेगा उसके लिए, लेकिन वो आप कोशिश करना है। जैसा कि साइकिल चलाने सीखता है तो पहले साइकिल गिर जाता है, फिर थोड़ा मुश्किल है, दूसरा एक मदद करता है, तब आस्ते आस्ते सीखना। ऐसा कोई भी चीज के बारे में, कोई भी चीज सीखना पड़ता है। इसीलिए प्रार्थना के बारे में प्रभु से चला लोग बोला हमें सिखाइए। सो प्रार्थना एक चीज है जो सिस्टर लोग 10 साल सीखता है। जो यहाँ पर जो हमारे सिस्टर, छोटा छोटा सिस्टर लोग जैसा कैंडिडेट है, उन लोग दिन भर प्रार्थना सीखता है, किसी किसी का प्रार्थना सीखता है, सीखना पड़ता है। 10 साल सीखने के बाद एक सिस्टर बनती है, जैसे फादर लोग 10-12 साल सीखने के बाद ही एक फादर बनता है, उतना सीखने का है। मैं 33 साल प्रभु से सीखता है, अभी भी सीखता है, अभी भी मैं बहुत सारा चीज सीखता है। तो जिंदगी भर प्रभु हमें सिखाता भी है और प्रार्थना में बढ़ाता भी है। लेकिन एक बार आप प्रार्थना करने के लिए सीखेगा और रोज सुबह उठकर कुछ देरी व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करने के लिए आप सीख जाएगा, तो जिंदगी पर
आपको कुछ भी तकलीफ परेशानी होगा तो होगा, तकलीफ परेशानी होगा, लेकिन आपको उत्तर है क्या करना है, क्या करना है प्रार्थना करना है और ये तकलीफ परेशानी को प्रभु को छोड़ना है। मुझे एक याद है, मैं ये उत्तर भारत पर कहीं जगह पर था, एक दिन मिसा बलिदान के बाद मैं करीब एक घंटा गिरजा पर बैठकर बहुत कुछ प्रभु से कहने लगा प्रार्थना में, मेरा दुख तकलीफ परेशानियों बहुत कुछ बोला। उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम करके मैं बाहर निकला। जैसे बाहर निकलता था तब मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ा, थॉमस थॉमस। मैं देखा तो कोई नहीं है, कौन मुझे बुलाया? ओ मैं सोचा, मेरा मन में ऐसा भावना आया, मैं बाहर फिर ध्यान लिया तो फिर आवाज सुना, थॉमस थॉमस। तो मैं अंदर आया तो मुझे मालूम पड़ा प्रभु बुलाता है, सचमुच प्रभु आवाज से हमें बुलाएगा। वही व्यक्तिगत रीति थी, तो मैं जल्दी आके घुटने टेक कर हाँ प्रभु बोलिए प्रभु क्या कहा मालूम है? प्रभु ने कहा, तुम एक घंटा जो कुछ भी मुझे कहा वो सब मुझे मालूम ही था तुमने जो कुछ भी पर बोला ना, वो सब मुझे मालूम ही था, और तुम्हारा वो सब परेशानियों का उत्तर भी मुझे मालूम है। उसको क्या करना है वो तुम सुना नहीं है, तुम ऐसे चले गया। माफ करना, बोलिए बोलिए। हाँ, यही आप पहले पूछना चाहिए। तुम एक घंटा उतना नहीं बोलने का जरूरत नहीं था, तुम सिर्फ इतना बोलने से है, प्रभु तू सब जानते हैं मेरा तकलीफ, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे अगुवाई कीजिए। हाँ देखो, प्रार्थना इतना आसान हो गया। हमारा सब कुछ परेशानी को थोड़ा सा बोलो, बहुत सारा बोल के जाने से नहीं होगा, प्रभु के सुनना चाहिए, हे प्रभु मैं कैसे आगे बढ़ना है, ये मेरा अवस्था है। मेरा अवस्था आपको मालूम है ना, आपको सब मालूम है ना, लेकिन मुझे बताइए मैं कैसे आगे बढ़ना है। सचमुच एकदम आसानी से मुझे सिखाया, तुम ये करो सब कुछ तुम्हारा परेशानी दूर हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद हो गया और मैं आगे बढ़ा। उससे दिन से मेरा प्रार्थना में और एक रास्ता बन गया। मैं बहुत कुछ उधर बोलना नहीं है, मैं प्रभु से सुनना चाहिए, मैं जानने करना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए सब पहले से तैयार करके रखा है। तो वो भी लिखा है यहां पर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:8 में लिखा है, 6:8 है ना, वो कहां लिखा है, प्रार्थना के समय नहीं, या थोड़ा बाद में लिखा है, 18 में लिखा है, 18 में लिखा है, तुम्हारा पिता जो अदृश्य को देखते हैं तुम्हारा, या नहीं उसके पहले, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है, वह पता चले कि तुम नहीं जब तुम्हारे
कितना नंबर है? मुझे सुने नहीं पड़ा। 8। हाँ हाँ वही मैं 8 है। करेक्ट करेक्ट। मैं 18 में चले गया। उनके समान नहीं बने क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले, हाँ वही बात है, थैंक यू, तुम्हारे मांगने से पहले पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। ये सब साधारण हमारा घर का बारे में सोचो। हमारा बच्चा मांगने के पहले हमको मालूम है क्या, उनको जूता चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको ये खाना सुबह चाहिए, उनको दोपहर को ये खाना चाहिए, स्कूल जाते वक्त उसको नाश्ता, ये सब वो मांगने के पहले देता है। ये बहुत बड़ा एक ज्ञान होना चाहिए। मांगने से पहले देखो, एक दिन एक बिंदी उपवास सिस्टर लोगों का था। उसके बाद एक सिस्टर जी ने मुझे उनका कॉन्वर्ट पर इनवाइट किया, आप हमारे कॉन्वर्ट पर आएगा तो अच्छा है, आपको केरल का खाना खिलाएगा। मैं अभी इधर उत्तर भारत में दूसरा खाना पीना है ना, तो सिस्टर जी मुझे बुलाया तो मैं अच्छा मैं आएगा, और बस में मेरे साथ आ गया। और मुझे और एक जगह जाने के बाद सिस्टर के पास जाना था, तो वो सिस्टर उतर गया तो मुझे ऐसा विचार आया, छे वो सिस्टर को बोलना चाहिए मुझे थोड़ा मछली नारियल का दूध से बनाया हुआ मछली का करी बना दो करके, ये मुझे पसंद है, ऐसा बोलना था, लेकिन अभी वो तो उतर गया। मेरा मन में मुझे ऐसा दिल था, ऐसा मछली का करी मिलने के लिए, ओ मेरा मुंह में पानी आता है। देखो हमारा केरला के लोग मछली को एक स्पेशल प्रिपरेशन करता है, नारियल का दूध में मछली पिताता है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है, सिस्टर को बोलना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, वो सिस्टर तो उतर गया, अच्छा जाने दो। लेकिन बाद में मैं सिस्टर जी का वहाँ पर गया और उन लोग खाना बना के रखा, देखा तो वही चीज जो बनाया था। सचमुच वही चीज जो बना के रखा है जो मेरा दिल में मुझे चाहता था। अच्छा उसके बाद दूसरे दिन मैं प्रभु से कुछ पूछा तो अरे तुमको मालूम है मैं उस दिन तुमको जो मछली का करी भी तुम सोचा था तभी मैं इसको बना के दे दिया था, तब तो मैं तुमको सब कुछ नहीं देगा क्या? हाँ वो ठीक है। ऐसा बातचीत करता है प्रभु, मतलब हमारे सोच विचार को प्रभु जानते हुए हमारे सोच विचार के साथ प्रभु काम करता है। प्रभु उसके साथ क्योंकि मुझे खुशी रखने के लिए, जैसे हम माँ बाप बच्चों को खुशी रखना चाहता है, पति पत्नी आपस में दूसरे को खुशी रखना चाहता है, ऐसा ही प्रभु हमें खुशी रखना चाहता है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते वक्त कुछ चीज हम ऐसा मांगना जरूरी नहीं है, प्रभु बोलो प्रभु तुम्हें जानता है ना, प्रभु मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे दे दो,
अच्छा दूसरा एक कहानी है, एक माँ ने खाना बनाया लेकिन एकदम कड़क, क्या बोलता है, ज़्यादा चिली को क्या बोलता है, हाँ मिर्चा, ज़्यादा मिर्चा सब डाल के बनाया था बड़ा लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद माँ को याद आया, अरे बेटा बेटी जो है शायद 5-6 साल की लड़की, उसके लिए ये खाना ठीक नहीं है, वो नहीं खा सकेंगे इतना मिर्ची। तो उन्होंने क्या किया, वो बच्चा के लिए, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए एक दूसरा भोजन बनाया, ताकि ये भोजन उसके लिए ठीक नहीं है, वो नहीं खा सकेंगे, वो खाएगा तो तबीयत खराब हो सका, इसके लिए वो बच्चा बेटी के लिए अलग से दूसरा एक भोजन बनाया। और वो सोचा ये तो आज उनको एक सरप्राइज देगा, उनको मैं बताएंगे देखो तुम्हारे लिए खास है मैं बनाया। और भोजन के समय पर वो जो सादा भोजन भी रखा और उसके ऊपर देखो बेटी तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारे लिए खास मैं ये बनाया, हे, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं जो आप लोग जो खाता है वही खाएगा। अरे ये खाएगा तो तुम्हारा पेट दर्द होगा, ये इतना मिर्ची वाली है, हे, हे, मुझे वो चाहिए। अभी क्या करें? तो माँ और बाप बोला बहुत बार बेटी ये खाना तुम्हारे तबीयत के लिए खराब है, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए खास तुम्हारे लिए बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, वो हम बड़ा लोगों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए, हे, हे, मुझे नहीं चाहिए। ये संत जॉन ऑफ द क्रॉस, वो महान संत है प्रार्थना का सिखावट में, उन्होंने कहा था कि हमारे अधिकांश लोग का प्रार्थना वैसा ही है, हम जो चाहता है वही पकड़ कर मांगता है, लेकिन हम जो चाहने के पहले प्रभु ने हमारे लिए खास करके जो बहुत अच्छा चीज बना के रखा है वो वही रह जाता है। तो बहुत बाद ये रोने लगा तो वो पिताजी ने बोला अच्छा अभी वो मांगता है वो दे दो, और क्या करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं खाएगा। तो इसीलिए वो जो मांगा दिया, और उसके लिए खास करके उसके माता जी ने बना के रखा, वो तो ऐसे ही रह गया। तो हम लोग बहुत सारा नोवेना करता है, बहुत सारा ये प्रार्थना करता है, मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अभी एक बार एक दिन एक आदमी आके